बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन शवारमा की रेसिपी। जी, चिकन शवारमा जो है बच्चों और बड़ों सबके लिए बहुत ही फेवरेट है। अब हमें इसके लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हम इसको बिल्कुल घर में ही बनाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हाइजीनिकली बिल्कुल जो सेफ़ होगा। इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं शवारमा की रेसिपी। इसके स्टेप बाय स्टेप हम इसकी जो रेसिपी है वो करेंगे शुरू। ये एक पैन में मैंने 3-4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के लिए थे, इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको हम सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, लहसुन के पेस्ट को भी हम सौते कर लेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था वो इसमें डाल दिया था। अब इसमें योगर्ट जाएगा 4 से 5 टेबलस्पून और 3 बड़े चम्मच चिकन टिक्का मसाला का। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून हमने सिरका डाल दिया, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिल्ली सॉस। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये 1/2 टीस्पून ओरिगानो है, ये अब इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका जो पानी है ये अब हमने ड्राई करना है और चिकन को गलाना भी है, तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। इसको लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके रखेंगे, अच्छी तरह गल भी जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया है इसने। इसको तकरीबन हमने 3-4 मिनट तक भून लेना है, अच्छी तरह से पानी ड्राई कर लेना है। जी, अब इसकी वाइट सॉस तैयार करते हैं। इसके लिए एक जग में 1 प्याज है दरमियाने साइज़ का और 3-4 जवे लहसुन के हैं वो डाल लेंगे। मायोनीज जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप या जितना आपने बनाना है उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने बड़े जो हैं वो 4 से 5 टेबलस्पून खाने का जो चम्मच है वो वाले इसमें मायोनीज के ले लिए। ये इसमें दूध जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच, ऑयल जाएगा तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच, और ये इसके अंदर सिरका जाएगा 1.5 टेबलस्पून। ये ब्लैक पेपर है, ये इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबलस्पून, ओरिगानो है 1/4 चम्मच इसके अंदर जाएगा और 1/4 चम्मच ही इसके अंदर नमक जाएगा, क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है इसलिए इसमें नमक कम डालेंगे हम। अब इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें ये ब्लेंड हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही क्रीमी और ये बहुत ही मज़े का भी है। शवारमे में इसका बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर। अब इसकी टॉपिंग के लिए हम इसकी वेजिटेबल्स जो है वो मैंने काट ली है जूलियट कटिंग में, प्याज हैं, खीरे और टमाटर, इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर 1 लेमन का जूस जाएगा, 1/4 जो है वो टीस्पून इसके अंदर नमक का जाएगा, 1/4 टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। ये तीनों चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे पास वेजिटेबल्स भी रेडी हैं और वाइट सॉस भी रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये मेरे पास पीटा ब्रेड है, इसको मैं अच्छी तरह से फ्राइंग पैन में जो है वो सेक लूँगी। देखिए दोनों साइडों से लाइट ब्राउन करना है,
ये पीटा ब्रेड मैंने मार्केट से लिया है, ये घर में भी आप बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे बारी बारी जी। अब इसकी टॉपिंग की तरफ आते हैं। ये रेड सॉस जो है वो रेड चिलीज़ की बनती है, जो ड्राई चिलीज़ होती हैं उनको भिगो के तो उससे बनती है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती। ये चिली गार्लिक पेस्ट है, मैं वो ही यूज़ कर रही हूँ रेड सॉस की जगह पे। और ये जो हमने वाइट सॉस बनाई थी इसकी एक लेयर डालेंगे। अब ये इसके अंदर ये जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखी थी वो डालेंगे। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आप अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डालें जी। अब ये जो हमने चिकन बना के रखा था ये इसके ऊपर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से अरेंज कर लेंगे। ये देखें, चिकन भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा या कम इसमें कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से, ये ज़्यादा ही ओवरलोडेड हो गया है, इसको अच्छे तरीके से आप पकड़ के रैप कर लेंगे बटर पेपर के साथ। ये देखिए इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए रोल हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा क्रीमी और कलरफुल लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का। आपको अब बिल्कुल भी इसके लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिल्कुल घर पे बनाएं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, वेजिटेबल्स के साथ, चिकन के साथ बच्चों को लंच में बना के दें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।